हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बेटा बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे ना। तो दोस्तों, क्वेश्चन का कह रहा है, कह रहा है साइन ए। अभी देखो, हम लोग अगले आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, मुश्किल से अब यहाँ से 40 क्वेश्चन बचेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग ये टॉपिक आप एंड करके हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाएंगे दोस्तों ना। ये क्वेश्चन का कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है साइन ए प्लस का कॉस है अपान में, साइन ए माइनस का कॉस है प्लस का दे रखा है। साइन ए माइनस का कॉस है अपान का, साइन ए प्लस का कॉस है इक्वल, हमको बेटा किसके दिखाना है। हमको दिखाना है 2 sin² माइनस का cos² है इक्वल, हमको दिखाना है कि 2 sin² 2 अपान का 2 sin² है माइनस का 1 हो जाएगा। हमको इक्वल दिखाना है 2 अपान में 1 माइनस का 2 cos² हमको इक्वल बेटा दिखाना है। मतलब ये हमको सारे पार्ट आपस में इक्वल दिखाना है, सारे पार्ट आपस में इक्वल, मतलब इनको सॉल्व करके बेटा ये ले आओ, फिर से आप ये ले आओ, फिर से आप ये ले आओ, है ना। हमको इसी ऐसे इन क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। तो सवाल कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर पहले हम इसका हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। देखो बेटा, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा, ये आपका फोर्थ पार्ट हो जाएगा। तो बेटा फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, हमको हमको क्या दे रखा है बेटा, दे रखा है ये साइन ए प्लस का कॉस ए अपान में दे रखा है, साइन ए माइनस से बेटा हमको दे रखा है कॉस दे रखा है, और प्लस यहाँ क्या दे रखा है साइन ए माइनस का कॉस ए अपान बेटा क्या हो जाएगा, ये हमको दे रखा है साइन ए प्लस का बेटा क्या दे रखा है, ये हमको कॉस ए दे रखा है। अब देखो बेटा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे ले लोगे कि इन भाई साहब का मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, अपान में क्या दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या आपका हो जाएगा, जब बेटा देखो साइन ए प्लस का कॉस ए का जब मल्टीप्लाई हम साइन ए प्लस कॉस ए करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये साइन ए प्लस कॉस ए का बेटा ये होल स्क्वायर आ जाएगा ना। क्यों, देखो कैसे आ जाएगा, एक्स का जब मल्टीप्लाई आप एक्स करोगे बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। वैसे देखो साइन ए प्लस कॉस ए का जब मल्टीप्लाई बेटा साइन ए प्लस कॉस ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब साइन ए माइनस कॉस ए का जब मल्टीप्लाई हम साइन ए माइनस कॉस करेंगे इतना आपका आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बेटा क्या आ जाएगा, इनका क्या आ जाएगा, इसका ये पूरा पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। और अपान में क्या हो जाएगा बेटा, अपान में इनका जब मल्टीप्लाई करोगे देखो यहाँ पर, तो देखो साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, देखो ए प्लस बी, और इसे कंपेयर करोगे ए प्लस बी फॉर्म में हो, ये ए माइनस के बी फॉर्म बेटा है। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो बेटा ये फॉर्मूला क्या आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बेटा क्या आपका हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट बेटा, इस फॉर्मूले में हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर है माइनस के बेटा क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब बेटा देखो नीचे वाला पार्ट हमारा यहाँ मिल गया, अब ऊपर बेटा सॉल्व करते खाली इसको, बस सॉल्व कैसे करेंगे इसको देखो बेटा यहाँ पर। अब देखो बेटा इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, उनको हम ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो ये आपका प्लस क्या आ जाएगा, ये आपका 2ab आ जाएगा, आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब देखो बेटा प्लस वाले में यहाँ प्लस रहता है, ठीक, और माइनस में क्या जाएगा, माइनस का आपका ये 2ab आ जाएगा। तो बेटा देखो ये जो फॉर्मूले से इनको इनको क्या करेंगे, ओपन कर देंगे, तो साइन ए प्लस कॉस, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका जाएगा 2 sin a इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉस ए हो जाएगा, ठीक। अब प्लस दे दो बेटा, अब इस वाले को हम लोग ओपन कर लेंगे, है ना, ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर से करेंगे ओपन, क्या जाएगा आपका, जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, आ जाएगा, माइनस क्या जाएगा, ये 2 sin a इंटू क्या जाएगा बेटा आपका कॉस ए आ जाएगा, ठीक। और अपान में बेटा क्या यहाँ रहेगा, अपान आपका रहेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस का क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आपका ये यहाँ पे ए बेटा आ जाएगा। अब बेटा तो इनको हम रफ करते हैं, अब नई आइडेंटिटी में क्या लगेगी, यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बेटा इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमने फर्स्ट आइडेंटिटी बेटा क्या रखी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बेटा कितना आपका हो जाएगा, बराबर ये बेटा आपका 1 हो जाएगा। अब देखो कहो सर, अब बैल वाली बात मत करना,
सर यहाँ थीटा, यहाँ पर ए बेटा है। देखो दोनों एंगल ही है ना, ये कहीं आप किसी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपका एंगल ए लिया गया होगा, यहाँ बेटा क्या जाएगा, ये कॉस थीटा आपका जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर आपका चाहे अल्फा हो, चाहे बीटा हो, चाहे गामा हो, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, है ना, लेकिन क्या हो, एंगल दोनों सेम होने चाहिए। अगर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखा बेटा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी आपकी वन ही रहेगी, है ना। तो अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ वन हो जाएगा। तो देखो बेटा इतने वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को इधर और ये वाले बेटा पार्ट को इधर हम वन पुट कर लेंगे। अब यहाँ देखो प्लस टू साइन ए कॉस ए और माइनस का टू साइन ए कॉस ए बेटा आपस में क्या हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। अब देखो इनकी वैल्यू वन प्लस वन कितना आपका बेटा जाएगा, ये आपका टू आ जाएगा, तो कितना जाएगा टू अपान में क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर है माइनस क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर आपका ये ए आ जाएगा बेटा, ना देखो हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब देखो इसी को हम आगे लेके चलेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आपका हम देखा टू साइन स्क्वायर है माइनस का कॉस स्क्वायर बेटा, ये हमको दे रखा है। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, थर्ड पार्ट पे आते हैं। देखो थर्ड वाले पार्ट में देखो क्या, हमको सिर्फ साइन स्क्वायर दे रखा है, हमको ये कॉस स्क्वायर गैप करना पड़ेगा ना। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इधर कॉस स्क्वायर ए बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन माइनस का साइन स्क्वायर ए बेटा वैल्यू होती है, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह बेटा हम रखेंगे वन माइनस का साइन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ का आपका क्या आ जाएगा, ये टू बेटा आपका ऐसे रहेगा, अपान में क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए माइनस रहेगा। देखो बेटा कॉस यहाँ कॉस स्क्वायर कहाँ क्या जाएगा, वन माइनस का बेटा क्या आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए बेटा आ जाएगा, है ना। अब देखो ये अगर आ जाएगा सर तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस ब्रैकेट के बाहर बेटा माइनस लगा है, और जैसे ब्रैकेट हम ओपन करेंगे अंदर के सारे चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, तो ये आपका टू बेटा ऐसे लिखा रहेगा, ये क्या आपका जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस क्या आ जाएगा ये। अब देखो बेटा जैसे खोलोगे ब्रैकेट तो यहाँ वन आपका प्लस में, तो यहाँ आपका वन आपका माइनस में हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए आपका यहाँ माइनस में तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर इनको बेटा ऐड कर लो तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका टू अपान टू साइन स्क्वायर ए माइनस से बेटा वन आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट प्रूफ हो जाएगा, देखो बेटा सेम सेम यहाँ पे मिल रहा है ना पूरा। अब देखो बेटा इसको लेके चलेंगे तो थर्ड वाले पार्ट में क्या करना, देखो इधर थर्ड पार्ट को इसको हम सॉल्व करें इसके आगे। देखो ये वाला देखो पहला हमारा यहाँ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक फर्स्ट पार्ट हमको मतलब सेकंड पार्ट आ जाएगा, थर्ड पार्ट यहाँ जाएगा। अब देखो थर्ड पार्ट में बेटा क्या कह रहा है, फोर्थ हमको प्रूफ करना कह रहा है कि कॉस स्क्वायर ए होना चाहिए, मतलब साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो बेटा, अगर हम साइन स्क्वायर ए की निकाले बेटा वैल्यू तो क्या आ जाएगी, वन माइनस का बेटा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगी वैल्यू। अब देखो इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम वन माइनस का कॉस स्क्वायर ए वैल्यू पुट कर देंगे, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा टू अपान टू, अब यहाँ पे ब्रेकेट लगा लो तो आ जाएगा वन माइनस का कॉस स्क्वायर बेटा ये ए आ जाएगा ना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम वन माइनस कॉस स्क्वायर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब बेटा यहाँ देखो ये आपका माइनस का वन बेटा ऐसे रहेगा, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इधर टू अपान में देखो, अब इस टू का मल्टीप्लाई बेटा अंदर करो कितना आ जाएगा, ये टू माइनस का टू कितना आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ये बेटा आपका ए आ जाएगा, तो ये माइनस का वन बेटा ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो टू ऐसे रहेगा ठीक, और ये देखो टू में से वन जाएगा बेटा, यहाँ आपका वन बचेगा, वन माइनस का कितना जाएगा, ये टू कॉस स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, ये बेटा ए आ जाएगा ना दोस्तों। ऐसे हम इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही प्यारा सवाल था तो दोस्तों। और देखो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा, इस वीडियो को आप एक या दो बार वीडियो को जरूर देखें, ताकि इस वीडियो में अगर कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप जरूर हमसे पूछें कि सर हमको इस वीडियो में इस सवाल में हमको दिक्कत है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स रिलेटिव है ना उन तक वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी थोड़ा इससे इस वीडियो से थोड़ा प्रॉफिट मिल सके दोस्तों, है ना। और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा कि मेरा ज्ञान मतलब लोगों तक पहुंच रहा है ना दोस्तों। अब हम क्या देखो बेटा पहले क्या होता था, पहले जब यूट्यूब नहीं था, हम लोग हाई स्कूल इंटर में थे तो बेटा यूट्यूब नया नया आया था तो इतना क्रेज नहीं होता था, लेकिन अब तो है बेटा आप नॉलेज कहीं से भी किसी को भी दे सकते हो जितना चाहो, मतलब आप मतलब अपनी बात को कहीं तक पहुंचा सकते हो बेटा ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा कि हम अपनी बात को कहीं तक इसके थ्रू पहुंचा सकते हैं ना आसानी से। तो अगर मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं इसको आपको देने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, है ना। अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।